हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी मटकी की उसल बनाएंगे। महाराष्ट्र में मटकी से बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती है और ये एक हेल्दी रेसिपी है। इसमें हम मोट को स्प्राउट करके यूज़ करते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोट को स्प्राउट करेंगे। एक कप मोट को रात भर पानी में या लगभग 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ देंगे। फिर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसे एक कॉटन के कपड़े में बांधकर एक दिन के लिए छोड़ देंगे। मोट को स्प्राउट होने में लगभग एक दिन का टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने पहले से ही मोट को स्प्राउट करके रखा है। अब हम लेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, दो मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए, 7 से 8 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, तीनों को मिलाकर हमने पीस लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ड्राई मसालों में हम लेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 3 से 4 पिंच हींग, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसे केवल हम कलर के लिए यूज़ करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 4 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट, 2 टेबलस्पून मूंगफली के दाने, 4 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून आखा धनिया। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन में डालेंगे ड्राई कोकोनट, मूंगफली के दाने, मिर्च, आखा धनिया। अब हम लो फ्लेम पर 2 मिनट तक सभी को अच्छे से भून लेंगे। सभी चीजों को हमने 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। ठंडा होने पर इसे हमने बारीक पीस लिया है। अब हम गैस ऑन करके पैन में तेल डालेंगे। मटकी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, राई, जीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, साथ में हम डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे हींग, नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। अब हम प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये तीखा नहीं होता, केवल हम इसे कलर के लिए डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे। इसे हमने ढककर 2 मिनट पका लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर भी हमारा पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाला जो हमने बनाकर रखा था, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे।
5 मिनट मसालों को हमने ढककर अच्छे से पका लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे मटकी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मटकी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढकेंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट इसे हमने ढककर पका लिया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे। मटकी को हमने 5 मिनट तक ढककर पका लिया है। अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें 1 कप पानी और डालेंगे। अगर आप इसे ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम डालें। अब हम इसे एक बार और ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट मटकी को हमने ढककर और पका लिया है और मटकी हमारी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें डालेंगे हरा धनिया। मटकी को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। मटकी को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें तड़का डालेंगे। ये ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा तेल या घी नहीं पसंद करते तो आप इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तड़का बनाने के लिए हम एक तड़का पैन में लेंगे 1/2 टेबल स्पून घी। आप तड़का तेल में भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब हम तड़के को तुरंत मटकी पर डालेंगे। लीजिए तैयारे मसाला मटकी। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।